Which song you want to learn? तो ये डेड मशीन, इसका रोल हो गया ख़त्म, इसको हटाना है, अब इस पर नया लगाएंगे। इसको लगाने का अलग ही तरीका है। तो गैस अभी बना रहा हूँ मैं बिग एप्पल सैलेड। इसमें जाएंगे लेट्यूस और ब्रोकली लीफ, जिसे हम रॉकेट लीफ भी बोलते हैं, अरबी में उसको रोका बोलते हैं। यह ऑरेंज ड्रेसिंग, आलमंड फ्लेक्स, उसके बाद जाएगा पाइन नट्स। इसमें कुटोन जाते नहीं है, लेकिन गेस्ट ने इसमें कुटोन मांग रखे हैं। ये वाले कुटोन जाते हैं सीजर सैलेड में। इसमें जाएगा चिकन, ग्रिल चिकन। 2 बज रही है, तो 2 बजे से शिफ्ट शुरू है, तो आज सिर्फ 2 बंद हैं, माली और मैं। कभी इस रेस्टोरेंट में 5 है स्टाफ था, कभी 4, कभी 3, अभी 3 हैं, लेकिन आज देवर साहब की छुट्टी है, तो आज सिर्फ 2 बंदे हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है। अगर एक ही साथ 3 सेक्शन में ऑर्डर आ गए, मेन रेंज में, फ्रूट सैलेड सेक्शन में एंड पिज्जा सेक्शन में, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे, है ना? तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। How much price? Hey, Chung, how much price? तो रियल 300। अरे भाई, ये कितना बड़ा केकड़ा है यार, मरा हुआ है, लेकिन डर लग रहा है भाई। अरे इसको काटते टाइम ना बड़े ध्यान से काटना पड़ता है, देख रहे हो, ये कांटे अगर हाथ में घुस गए ना तो बहुत दिक्कत होती है। आज ये केकड़ा खाएगी, आए सो रखा यार, फिसल रखा ये। मैंने यहाँ पे नैपकिन बना दिया है। चलो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है ना, लाइटिंग वगैरह, दुल्हन की तरह सजा रखा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे बाहर का नज़ारे देखो, वाह कितना अच्छा व्यू है ना बाहर का। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी जो है सनसेट होने वाला है। शाम की बज चुकी है 6:30 हो चुकी है, तो अपना चाय पीने का टाइम हो चुका है, तो चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं पहले, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। मालिक बना रहा चाय, सिर्फ दूध ही दूध की चाय, देख सकते हैं। अरे वाह, ओनली मिल्क, नो वाटर। तो अभी तो सिर्फ 2 बंदे हैं चाय पीने वाले, तो सिर्फ दूध ही दूध की चाय बना लेंगे। दूध इतना, मतलब दूध इतना गाढ़ा भी नहीं है, उसमें थोड़ा हल्का दूध है, तो पानी डालने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसीलिए दूध ही दूध की बना रहे हैं। और ज़्यादा बंदे होते तो समझ भी आता है कि चलो यार पानी डाल देते हैं, तो 2 बंदों में क्या ही पानी डालना, वैसे पी लेंगे। तो ये डेड मशीन, इसका रोल हो गया ख़त्म, इसको हटाना है, अब इस पर नया लगाएंगे। इसको लगाने का अलग ही तरीका है। इसको यहाँ फंसाना है इस वाले में, उसके बाद इसमें से खोला, यहाँ से डाला ये अंदर,
उसके बाद इसको कर देंगे लॉक। उसके बाद ये यहाँ आ गया, उसके बाद इसको दबाएंगे यहाँ। कैसा हो गया इसको, अभी भी फंस रहा है। तो गाइस इस वीडियो की मैंने शॉर्ट बनाया था अभी, जो कि आपने देख ली होगी। देखो इसमें ये वाली वीडियो बहुत ही जल्दी फास्ट से वायरल हुई, 205 व्यू आ रखे हैं ना अभी, देखो हैं अभी 207 हो चुके हैं। अभी जल्दी जल्दी रिफ्रेश नहीं करूँगा, नहीं तो 208 हो चुके हैं। तो ये सबसे ऐसी वीडियो है जिसमें सबसे फास्ट व्यू आए आफ्टर लॉन्ग टाइम। गाइस बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है ना, बहुत ही यार, जब वीडियो सडनली वायरल हो जाए ना, तो मेहनत कभी ना कभी रंग आती है बोलते हैं ना, तो वही बात हो चुकी है अभी। वरना हमारा स्टाफ का खाना दाल और राइस बन के रेडी हो चुके हैं। तो गाइस आज मेरे साथ ऐसा कांड हुआ, आज निकल रहा तो क्या हुआ, मैंने भाई को पैसे भेजे इंडिया में यहाँ से ऑनलाइन, ठीक है, मैंने अकाउंट नंबर पूरा लिख दिया था, लेकिन लास्ट का जो एक डिजिट था ना वो मैंने मतलब भूल गया मैं लिखना। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही भूल गया तो पैसे सेंड हो गए। मैंने सुबह भाई को बोला, मैंने कहा पैसे आए, बोला पैसे तो आए नहीं। तो फिर मैंने कहा यार पैसे कहाँ गए। तो फिर उसके बाद बैंक मस्कट में मैंने कॉल पे बात की हमने, उसके बाद बैंक मस्कट ने कंप्लेंट लिख ली है। अब देखते हैं कल बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, अगर मतलब किसी के अकाउंट में तो निगे होंगे ना पैसे, क्योंकि अकाउंट नंबर अगर मैं सारा सही लिखता, लास्ट का मतलब किसी और का अकाउंट नंबर लिखता तो पैसे उसके अकाउंट में जाते, लेकिन अकाउंट नंबर मैंने जो लास्ट का डिजिट होते ना अकाउंट नंबर, जैसे 16 नंबर का होता है, तो मैंने 15 अंक उसमें डाले थे, तो 15 अंक डाले और मनी भी सेंड हो गई, मतलब अकाउंट से पैसे भी कट गए। जो ऑनलाइन मस्कट बैंक की वेबसाइट है तो उससे पैसे कट गए, लेकिन भाई के पास पहुँचे नहीं। तो फिर दिन में कस्टमर केयर से बात की तो बोलते हैं कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है, तो पैसे कहीं नहीं जाएंगे, तो कल बैंक जाएंगे हम। बैंक हमारे रेस्टोरेंट के नियर बाई है, लेकिन क्या है बैंक हो जाता है 2 बजे बंद, 2 बजे या 1:30 बजे, क्योंकि रमज़ान में बैंक जल्दी बंद हो जाता है, वैसे तो 5 बजे होता है पर रमज़ान में उसकी टाइमिंग थोड़ा कम है। तो हमारा रेस्टोरेंट जो ओपन होता है वो होता है 2 बजे, तो अगर रमज़ान का टाइम नहीं होता तो मैं चले जाता हूँ वहाँ, मतलब 5 बजे तक खुला रहता है, लेकिन कल ये है कि जल्दी आना पड़ेगा 12 बजे या 1 बजे, ताकि हम वहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं कि मतलब क्या होगा, अपडेट ले सकते हैं। यस नैनी, tomorrow I think there is a buffet. Where is our restaurant? Of course not there, here of course there is a booking. Man, can I ask you something? You're not fed up of this that कल बूफे लगेगा, बोला बूफे की वो आ चुकी है, बुकिंग की होगी ना किसी ने, बूफे कितने लोगों ने बूफे बुकिंग कर रखा है, तो कल बूफे लगेगा। तो कल ये है कि काम थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। लेट्यूस के पत्ते धोने पड़ेंगे अभी, बिकॉज ये इनको ड्राई भी करना है, तो कल बूफे में हमारा सैलेड भी रहेगा, तो इसीलिए कल की तैयारी आज इसे शुरू कर देंगे। तो ये हो रही ग्रीक सैलेड की तैयारी। तो ग्रीक सैलेड में आपको पता ही है क्या क्या जाता है, जैसे कि जाता है 3 बेल पेपर, रेड ग्रीन एंड येलो, एंड कुकुम्बर एंड ऑनियन एंड टमाटो, ये जाएगा डाइस कटिंग में विथ ओलिव ऑयल, ऑर्गेनो एंड सॉल्ट, ये ड्रेसिंग है उसकी, लिटिल बिट ब्लैक पेपर, ये ड्रेसिंग बना के उसके ऊपर जाएगी विथ फेटा चीज़ के साथ जाएगी। तो ये कल, ये भी हमारे बूफे का एक हिस्सा है, तो इसीलिए तैयारी कर देते ताकि कल ज़्यादा लोड ना पड़े।
क्लोजिंग का टाइम हो चुका है तो क्लोजिंग करते हैं। तो गैस मिलता हूँ मैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, यहाँ की एक नई लाइफ स्टाइल के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।